हे गाइस, स्वागत है आपका टर्मिस्टिक में। और आज हम कुछ ऐसे कमाल की कैंपिंग गैजेट्स देखेंगे जो कि आपके एडवेंचर से भरी ट्रिप को और भी रोमांचक और बेहतर बनाएंगे। वहीं इनमें से कुछ आपको बेहद पसंद आएंगे तो कुछ आपकी जान बचाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। गैजेट नंबर 10, लॉकहार्ट ट्रैक्टिकर अलार्म। एक घने जंगल में आप खो चुके हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है और अब आपको सर्वाइव करना है, किसी भी तरह बच के निकलना है। ऐसे सिचुएशन में ये टाइप के गैजेट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके साथ आने वाले रोप को, वायर्स को कैंप के चारों तरफ बांध करके जंगली जानवरों से बच सकते हैं। सेकेंडली, इसके साथ आने वाले लॉन्चर्स को लॉन्च कर सकते हैं जिससे आप अपने आसपास के लोगों को सिग्नल दे सकोगे। आप इन लॉन्चर प्लेयर्स को खुले आसमान भी छोड़ सकते हैं, काफ़ी दूर तक सिग्नल दिया जा सकता है। प्लेयर्स में आपको रेड, व्हाइट और ग्रीन तीनों ही कलर देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने आसपास के विमानों को सिग्नल दे सकोगे। इसमें आपको 15 मिलीमीटर का विसल्स भी मिल जाता है जिससे आप नियर बाई लोगों को भी सिग्नल दे पाओगे, जिससे आप एक्चुअल में सर्वाइवल कर पाओगे। नंबर 9, क्रुआ एयर। एडवेंचर ट्रिप के दौरान एक कैंप बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें सेफ रखता है। लेकिन अगर आप वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद का कैंप बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वेल, क्रुआ एयर एक ऐसा आर्टिफिशियल रेडीमेड कैंप है जिसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो एडवेंचर ट्रिप के दौरान। ना कि इजीली यूज़ कर सकोगे, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकोगे। ये एक ऐसा कैंप है जो कि सारे सेल्टर फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको बुलेटिन सीढ़ियाँ मिल जाती हैं और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। इनकी बुलेटिन क्वालिटी बेहद ही अच्छी है, लग्जरी से, जिससे ये ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं। तो अगर आप अपने एडवेंचर को रोमांचक और ख़ास बनाना चाहते हैं तो इस गैजेट को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इन्हें असेंबल करना भी बहुत ही आसान होता है, इन्हें सेकंड्स में आप सेटअप कर सकते हैं। ये चुटकियों में आसानी से रेडी हो जाते हैं। इसमें आपको लैडर भी मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपने कार के रूफटॉप पर चढ़ सकते हैं। और इवन इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के छोटे मोटे मल्टी स्पेसेस मिल जाते हैं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि एक छोटा सा स्विच होल्डर हो गया या फिर क्लॉथ होल्डर हो गया। और इवन आपको इसमें काफ़ी यूनिट स्पेस मिल जाती है, आराम से 3 से 4 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने इस एडवेंचर से भरी ट्रिप। नंबर 8, सर्वाइवल फिल्टर प्रो। दोस्तों, ट्रिप के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पानी मिलना, वो भी साफ़ और सही। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि इन बड़े बड़े जंगलों में आपको साफ़ और सही पानी मिल ही जाए। फिर ये गैजेट आपकी इसी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन है, जिसे आप अपनी ट्रिप पे ले जा सकते हैं और गंदे वाटर के सारे डर्ट को और बैक्टीरियाज को निकाल सकते हो। ये एक तरह का एक ऐसा मल्टीपर्पज़ फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसे आप अपने इस्तेमाल करके पानी में आई हुई सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने में हेल्प कर सकते हो। इसके साथ आपको एक छोटा सा पंप मिल जाता है जिसे आप इजीली एक्यूप्रेशरेट करके पानी में से सारी डर्ट को और बैक्टीरियाज को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने के लिए ना ही आपको कोई बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, बस आप आसानी से इसे अपने हाथों से ही ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 7, लाइफ टेंट सर्वाइवल। दोस्तों, कैंपिंग में या फिर कोई भी ट्रिप में एक टेंट को अपने साथ ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर टेंट्स को ना ही लगाना आसान होता है और ना ही वो वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, और इसी वजह से बारिश और ठंड में ये बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के टेंट्स को, जो कि कैंपिंग और एडवेंचर ट्रिप के दौरान आपको बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहले साइज़ की बात करें तो साइज़ में ये काफ़ी छोटे होते हैं, आप इन्हें रोल करके ईजिली बैग में पैक कर सकते हैं। इसमें आपको एक नायलॉन रोप भी देखने को मिल जाती है जिससे आप पेड़ों के बीच बांध करके अपना शेल्टर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही ये टेंट हीट रिप्लेंट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसकी वजह से अंदर की गर्माहट अंदर ही रहती है और बाहर के मौसम से, वेदर से अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6, उबर लेवन। दोस्तों, अगर आपने खुद से आग जलाने की कोशिश की होगी तो आपको भी ये ज़रूर पता होगा कि आग जलाना कितना मुश्किल है। दोस्तों, ट्रिप के दौरान आग बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे फिर खाना बनाना हो या फिर आग सेकनी हो या जंगली जानवरों को भगाना हो, आग सचमुच एक बहुत ही ज़रूरी खोज है। उबर लेवन एक ऐसा गैजेट है जिसे खींचने पे आग लगाई जा सकती है और इसमें लगी आग काफ़ी ब्राइट होती है, जिससे हवा के कांटेक्ट में भी आप आसानी से आग जला सकोगे। तब आप सेफ्टी के साथ आसानी से आउटडोर में भी आग जला सकते हैं इस गैजेट की मदद से। दोस्तों, बात करें बुल्टिन क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसे लॉन्ग टर्म तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, MSR रिमोट स्टोव। दोस्तों, अगर एडवेंचर में आग जलाना आपके लिए इनफ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना गैस स्टोव को ही ले चलें, इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाता है। ये एक ऐसा रिमोट स्टोव है जिसे स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें बैग में भी पैक करके ले जा सकते हैं।
इनके स्टील के बने ट्रांसिबल्स बहुत ही सिक्योर होते हैं और इन्हें यूज़ करना भी बहुत ही ईजी होता है। ये लाइटर वेट के होते हैं जिससे आप इन्हें बैग के अंदर डाल करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन क्वालिटी के साथ आते हैं जिन्हें आप वन बाय वन सेटअप कर सकते हैं और अपने एडवेंचर ट्रिप को और भी खास बना सकते हैं। नंबर 4, लाइफ सेवर। दोस्तों टाइम हो गया एक मल्टीपर्पज टूल देखने का जो कि आपके ट्रिप को बेहद ही आसान और कन्वीनियंट बना देगा। सबसे पहले इसमें आपको यूवी वाटर प्योरीफिकेशन मिल जाता है जिससे आप इसके साथ आने वाले अटैचमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डर्ट वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये यूवी की टेक्नोलॉजी से वाटर में सारे बैक्टीरिया किल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसके साथ एक प्लाज्मा लाइटर भी मिल जाता है जो कि बारिशों में और हवाओं में एक्चुअल में आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों अगर इतना कुछ करने के बाद अगर इसकी बैटरी ख़त्म भी हो गई तभी भी आप इसके अटैचमेंट को गोल गोल घुमा करके भी इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन वगैरह को भी आसानी से कनेक्ट करके उसे भी चार्ज कर सकते हैं। ये एक पावर बैंक का भी काम कर लेता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मल्टी टूल यूज़ करें तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 3, गामा। अगर आप कंफ्यूज हो कि ट्रिप पे कौन से कपड़े पहन के चला जाए तो आप इस जैकेट के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। इस जैकेट की खास बात ये रहती है कि इसके अंदर आपको हीट कंडक्टिव कॉइल्स लगे रहते हैं जो कि आपको सर्दी के मौसम में गर्म रखने का काम करेंगी, और उसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अपने आप को ठंडा रखना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। यानी कि आप इन्हें दोनों ही मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी, दोनों ही मौसम में ये आपका काम करेगी। इस तरह के गैजेट में आपको मिलती है एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी जो कि इनके बैग्स पर और इनके पॉकेट्स में लगी हुई होती है, और इसके मदद से ये आपके पूरे बॉडी को और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है मौसम या वेदर के हिसाब से। नंबर 2, क्रुआ हैमॉक कुल्ला। दोस्तों अगर आप कैंपिंग के दौरान भी अपने कंफर्ट को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो क्रुआ हैमॉक एक ऐसा आउटडोर गैजेट है जो कि स्पेशली कैंपिंग के लिए ही बना है। ये कंफर्ट का बेखूबी से आपका ध्यान रखता है। इसे सेटअप करना भी बहुत ही आसान है, ईजी है। इसे आप चुटकियों में सेटअप करके रख सकते हैं। एक्चुअल में ये एक तरह का टेंट होल्डिंग है जिन्हें आप दो पेड़ों के बीच आराम से बांध करके ईजिली सेटअप कर सकते हैं। इन बेडिंग्स के मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और साथ ही वेदर रेजिस्टेंट भी होते हैं जिससे इन पर पानी और बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओवरऑल ये बिडिंग्स आपको काफ़ी रिलैक्स्ड और कंफर्ट फील कराएंगी और आप अपने एडवेंचर को स्पेशल बना सकोगे। नंबर 1, टाइटन सर्वाइवल स्टील रोल। दोस्तों हम सबको पता है कि एडवेंचर ट्रिप में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, और बेशक हम सर्वाइव करने के लिए ही जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई टूल्स को तो यूज़ करते ही हैं, है ना। वेल, टाइटन सर्वाइवर एक ऐसा गैजेट है जिसे आप दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप इसे एक फायर करने के लिए यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आप एक किसी भी लोखंड की चीज़ से टकराव करा करके इसमें फायर जनरेट कर सकते हो। ये आसानी से टकराने के बाद फायर निकालता है। सेकेंडली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो लोगों को इस सिग्नल देने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक विसल मिल जाता है जिसको बचा करके आप सर्वाइव कर सकेंगे। तो गाइस ये थे टॉप 10 कैंपिंग गैजेट्स। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट डाउन करना मत बोलना। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो, और वीडियो को लाइक करना, ये मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे खासे वीडियोस बना पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय। फिर